जहरीली शराब से मौतों के खिलाफ बीजेपी का धरना। विधानसभा में बीजेपी विधायक ने धरना दिया है। आपको बता दें, मुआवजे की मांग कर रहे हैं बीजेपी में। बीजेपी विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन पे बैठी है। मुआवजे की मांग को लेकर ये धरना है बीजेपी का। मुआवजा ना मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। बड़ी बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, जहरीली शराब से मौतों की न्यायिक जांच हो। लगातार जहरीली शराब से मौतों को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। तो आपको बता दें कि अब विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने धरना दिया है। जहरीली शराब में हुई मौत के बाद बीजेपी काफी हमलावर है और आज विधानसभा परिसर के बाहर बीजेपी के जो विधायक है, एमएलसी है, सभी धरने पर बैठ गए हैं। इनका साफ कहना है कि सरकार जब तक मुआवजा नहीं देगी तब तक जो आंदोलन है बीजेपी का वो जारी रहेगा। नेता प्रतिपक्ष इस वक्त हमारे साथ है। सर, ये बताइए कि धरने सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि मुआवजा हम हर कीमत पर नहीं देंगे। सरकार जनता मालिक है, सरकार सेवक है और सेवक मालिक के प्रति ईमानदारी से कर्तव्य का पालन करे। जो जहरीली शराब से मृत्यु हुआ है या अपराधियों की गोली से, उसको मुआवजा सरकार को देना होगा। ये पहले भी हुआ है, इनको करना होगा और न्यायिक जांच कराए ताकि आंकड़ा का हेरा फेरी बंद करे। ये अहंकार में राष्ट्रगीत का भी अपमान किए हैं, उसके लिए क्षमा मांगे। सरकार तो कह रही है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, इसमें कोई प्रावधान ही नहीं है मुआवजा का। सदन के अंदर बहस क्यों नहीं कराया? हमने तो सदन के अंदर कार्य स्थगन लाया, क्यों नहीं बहस कराया? कार्य मंत्रणा समिति की बैठक क्यों नहीं कराया? शर्म कर लगनी चाहिए, संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है। यहाँ तक कि सदन के अंदर प्रवेश को विधायकों को रोका जाएगा। आज भी तो ताला लगा हुआ है मेन गेट पर। ताला लगाया गया, विधायक को रोका गया, ये संविधान का खुलेआम उल्लंघन है, लोकतंत्र के हत्यारे को शर्म करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।